पर हम देखेंगे कायरल एक्सेलरी किसे कहते हैं और इसका क्या यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों कायरल हम देखने जा रहे हैं, कायरल तो हम जानते हैं बच्चों, कायरल कार्बन कायरलिटी से मीनिंग है, और एक्सेलरी एक्सेलरी का असल मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर एक्सेलरी आप डिक्शनरी में सर्च करोगे पाओगे प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री और एडिशनल हेल्प और सपोर्ट, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ एडिशनल हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। कायरल एक्सेलरी मतलब हम उसकी हेल्प से कायरल एक्सी जो मॉलिक्यूल हम लगाएंगे तो वो एक्सेलरी है उससे हमारी कायरलिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगी। कायरल एक्सी आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल बिकॉज दे कैन बी यूज टू मेक ए होल वेराइटी ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इन इनैन्सियोमेरिकली प्योर फॉर्म। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनैन्सियोमेरिकली प्योर फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। जो इनैन्सियोमेरिकली प्योर फॉर्म में हम क्या बना सकते हैं, इनैन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं एक्सेलरी यूज करके। किस तरह से क्या होता है आगे एग्जाम्पल से हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डील सैडर रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों हमने एक एल्केन ली, यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, एस्टर बना दिया है इसका, पहले एस्टर फॉर्मेशन किया है। किस तरह से इसके लोन पे एने बच्चों कार्बोनिल पर अटैक किया होगा, ये ग्रुप अप गए हुए इलेक्ट्रॉन फिर बैक आए होंगे तो सी एल निकला होगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेंजाइल। तो बच्चों इस एल्कीन का जब इसके साथ में प्रोडक्ट कराएंगे मतलब डील सेल्डर रिएक्शन, बच्चों डील सेल्डर रिएक्शन तो आप जानते हो क्या होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन एक्सटेन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 2 इधर और ये इधर, तो इस तरह से बॉन्ड बच्चों न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन से कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया डील सेल्डर। इसमें हम बात करें बच्चों एंडो प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर बच्चों बेंजीन इस तरह से डबल बॉन्ड की अपसाइड भी आ सकती है और क्या हो सकता है डाउन साइड से भी वहाँ पर अप्रोच कर सकती है, दोनों फेस से यहाँ पर अप्रोच कर सकती है। तो इस तरह से अगर अप फेस से आई तो बच्चों ये इनैन्सियोमर बन रहा है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये अगर बच्चों यहाँ से 4+2 साइक्लो एडिशन में ये डाउन साइड से गई तो इस इनैन्सियोमर का फॉर्मेशन होगा। तो इसको रिड्रा किया हुआ है इस कंपाउंड में, इसको रिड्रा किया हुआ है बच्चों इस कंपाउंड में, ये दोनों कंपाउंड सिमिलर ना होकर के एक दूसरे के बच्चों क्या है इनैन्सियोमर से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया इस साइड में लगाया, जबकि यहाँ पर इस कार्बन पर लगाया, इस कार्बन पर ना लग कर इस कार्बन पर लगाया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डील सैडर रिएक्शन हुई है, तो बच्चों जो डाई इन है अप फेस से भी आई है और या फिर डाउन फेस से आई है, तो दो इनैन्सियोमर। लेकिन हमें कायरल एक्सेलरी का यूज़ आगे देखेंगे कि अगर कायरल एक्सेलरी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ बिना कायरल एक्सेलरी के यूज़ हुआ है रिएक्शन, जो कायरल एक्सेलरी से कंपाउंड को किस तरह से एक इनैन्सियोमर को बनाया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये इस तरह से कायरल एक्सेलरी का हमने फॉर्मेशन कर लिया, किस तरह से हुआ अभी बात करेंगे। तो हमने इसको किसके बेंजीन इसको जो है बच्चों इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड कर दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा करके। तो यहाँ पर ये कायरल एक्सेलरी लगा दी जिसकी यहाँ बात करने जा रहे हैं, तो ये आगे की रिएक्शन को कंट्रोल करेगी। यहाँ पर जो ऊपर वाली रिएक्शन में बच्चों यहाँ पर डील साइडर रिएक्शन नीचे कराएंगे, अप फेज और डाउन फेज आ रही थी, लेकिन ये कायरल एक्सेलरी कंट्रोल करेगी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को। एक साइड में ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा उसको स्टेरिक करेगा और एक साइड से आने से एक फेज से आने के लिए डाइन को रोक देगा। ठीक है, पहले इसकी सिंथेसिस कायरल एक्सेलरी बनी किस तरह से है बच्चों, यहाँ पर देख लें वैलिन, वैलिन के इस रिएक्शन के साथ क्या किया होगा वैलिन, बच्चों वैलिन की स्ट्रक्चर जो है ये वैलिन कराते हैं, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप और NH2 ग्रुप लगाए, यहाँ पर एसिड है BH3, क्या काम करता है बच्चों रिडक्शन का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर बच्चों इसको एसिडिक ग्रुप को ये किस में चेंज कर देता है CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से बच्चों वैलिन का है, इसने BH3 की प्रेजेंस में क्या हो गया बच्चों रिडक्शन हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया CH2OH में कन्वर्ट हो गया। फिर इसकी रिएक्शन बच्चों इस एस्टर के साथ में कराई है जो कि फिर यहाँ पर ये कायरल एक्सेलरी का फॉर्मेशन हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड ने एच इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट किया होगा, यहाँ पर जो एनायन बना उसने क्या किया बच्चों इसके कार्बोनिल पर अटैक करके सीएल को निकाल दिया और इस तरह से कायरल एक्सेलरी बच्चों एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब अगर इस कंपाउंड की डील साइडर रिएक्शन कराई जाए, इस कंपाउंड की डील साइडर रिएक्शन कराई जाए डाइन के साथ में, तो ये कायरल एक्सेलरी बच्चों यहाँ पर लगा दिए कायरल एक्सेलरी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या करेगा बच्चों इन दोनों बॉन्ड को क्या करेगा चीलेट करेगा इस ऑक्सीजन को ताकि ये बॉन्ड रोटेट ना कर पाए। अब इसकी रिएक्शन डाइन से अगर इस रिएक्शन कराई जाए इस एल्किन की, तो बच्चों नीचे की साइड में ये फेस है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाओ, बॉटम फेस ओवर डाइनोफाइल शील्डेड फ्रॉम अटैक, तो नीचे से जो है डाइन नीचे से नहीं जाएगा, अब क्या हो गया कंट्रोल हो गया रिएक्शन केवल ऊपर से जा पाएगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है नीचे वाली फेस को कंट्रोल किए हुए।
जबकि हम जब यहाँ यहाँ पर कायरल एक्सेरीन लगा करके क्या लगा था, वो ऐसी कोई सिंपल मॉलिक्यूल बेंजाइल ग्रुप लगा था, तो हमारी जो डिओसाइडर रिएक्शन हो रही थी दोनों फेज से ही आ पा रहा था, अप फेज से भी आ पा रहा था और डाउन फेज से भी आ रहा था, तो हमारे दो आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन हमने जब यहाँ पर बच्चों कायरल एक्सेरीन लगा दी और एक फेज को आइसोप्रोपाइल ग्रुप से डाउन फेज को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, तो कायरल एक्सेलरी जो डाइन आ रही है अब बॉटम अप फेज से आ रही है, बॉटम फेज से वो नहीं आ रही, तो हमारा एक ही एनसीओमर का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है। इसको देखते हैं फिर से, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है, तो यहाँ से जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था कायरल एक्सेलरी का, उसने नीचे की फेज को ब्लॉक कर दिया, अब जो डाइन आएगी केवल अपसाइड से आएगी, तो हमारा केवल एक ही एनसीओमर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसको फर्दर इसमें रीड्रा किया हुआ है, दूसरा इनेंसियोमर नीरा नहीं बन रहा, ओनली वन डाइस्टोमर सो फॉर्म्ड इनेंसियोमेरिकली प्योर। अब कायरल एक्सेलरी को बच्चों रिमूव किया जा सकता है एमाइड बॉन्ड को जो है बेस की प्रेजेंस में, जो भी ग्रुप हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, सपोज बेंजाइल ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके बेस से इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अटैक करेगा एस्टर पर, ये अप जाएगा डाउन आएगा और इसको कायरल एक्सेलरी इस तरह से रिमूव हो गई और हमारा सिंगल इनेंसियोमर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था कायरल एक्सेलरी का यूज़ यहाँ पर, केवल एक इनेंसियोमर यहाँ पर मिल गया। अगर ये बेंज कायरल एक्सेलरी यहाँ पर नहीं लगाई थी तो ये कंपाउंड के दो इनेंसियोमर हमें मिले हैं ऊपर, जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा है। लेकिन कायरल एक्सेलरी लगाने के बाद यहाँ पर एक फेज क्या हो गई, ब्लॉक हो गई आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, और उधर से फिर अब जो डिओसाइडर रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, जो डाइन आ रही है केवल एक फेज आ रही है, अब फेज आ रही डाउन फेज से यहाँ पर नहीं आ रही है। सपोज आपको नीचे वाला, अगर नीचे की फेज का कंपाउंड चाहिए तो आपको डिफरेंट कायरल एक्सेलरी लगानी होगी उस पर, इस तरह की एक्सेलरी जिस पर कि बल्की ग्रुप्स क्या लगे हों, फ्रंट फेज पे लगे हों, तो इस तरह से बच्चों कायरल एक्सेलरी दूसरे कंपाउंड नॉरफेरिडाइन से बनाई है। इसने क्या किया है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर होकर के कायरल एक्सेलरी का फॉर्मेशन हमने किया है। अब कायरल एक्सेलरी हम क्या लगा लें, इस एसाइल क्लोराइड पर सब्स्टिट्यूट कर दें, बेस क्या करेगा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पर एनायन बनेगा, ओसीएल को रिप्लेस कर देगा, तो इस तरह से कायरल एक्सेलरी इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो गई। अब ये जो है इसको केमिस्ट्री कंट्रोल करेगी। अब जब बच्चों इस पर डाइन का की रिएक्शन होगी, ये डाइनोफाइल डबल बॉन्ड और रिएक्शन डिओसाइडर रिएक्शन यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है डाइन के साथ में, तो डाइन जो आ रही है केवल बॉटम फेस से आ रही है क्योंकि अपसाइड बल्कि ग्रुप से लगे हुए हैं कायरल एक्सेलरी में, और वो क्या कर रहे हैं अप फेस को क्या कर रहे होंगे, ब्लॉक कर रहे होंगे, टॉप फेस ऑफ डाइनोफाइल शील्डेड फ्रॉम अटैक। तो यहाँ से जो बना हमारा दूसरा वाला इनेंसियोमर का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है केवल डाउन फेज से आ रही है, वो कायरल एक्सेलरी को फिर बेस की से रिएक्शन करा करके कायरल एक्सेलरी को रिमूव यहाँ से किया जा सकता है। जैसे कि आर वाई से रिएक्शन कराइए, वो आर नेगेटिव ने इस पर अटैक किया होगा, यहाँ पर वो कायरल एक्सेलरी को रिमूव कर दिया होगा, वो आ लगे वो पॉजिटिव इनेंसियोमर फॉर्म्ड। हमें एक इनेंसियोमर चाहिए था तो हमने क्या यूज़ करा है बच्चों, कायरल एक्सेलरी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कायरल एक्सेलरी यूज़ की जाती हैं और उनको बाद में क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और इस तरह से हमें केवल एक ही इनेंसियोमर का फॉर्मेशन मिल जाता है। आगे बच्चों एल्काइलेशन ऑफ फिनोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कायरल एक्सेलरी यूज करके एक ही इनेंसियोमर का फॉर्मेशन एल्काइलेशन करना। जैसे कि सपोज बच्चों यहाँ पर हम आर ग्रुप लगाना चाह रहे हैं अल्फा कार्बन पर एसाइल हैलाइड की, तो लेकिन एक ही साइड से लगाना चाह रहे हैं, अप साइड या बॉटम साइड से लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस हैलाइड को हटा करके कायरल एक्सेलरी लगा देंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर सोडियम हैलाइड की इस प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनायन बन जाएगा, एच एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, तो क्या करेगा एसआईएल ग्रुप के सीएल को रिप्लेस कर देगा, इस तरह से कायरल एक्सेलरी हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ एलडीए। एलडीए क्या है बच्चों, एक बेस है, बेस की प्रेजेंस है पहले क्या होगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये इनोलेट में चेंज हो जाएगा। तो इनोलेट में किस तरह से चेंज हो रहा है बच्चों, बेस क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बाद में डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस में है इस कार्बोनिल ग्रुप के, तो ये एनायन बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम इनोलेट बोलते हैं, रिएक्शन किससे जाती है इनोलेट फॉर्म से जाती है, मतलब इन डबल बॉन्ड इनोलेट एनायन है, तो इनोलेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब ये इनोलेट फर्दर क्या करेगा बच्चों, इस तरह से वापस आएगा और ये डबल बॉन्ड पोलराइज होकर के आर ग्रुप पर अटैक कर देगा, किसी भी एसाइल हैलाइड पर अटैक कर देगा और इस तरह से आर ग्रुप लग जाएगा। लेकिन यहाँ जो कायरल एक्सेलरी रही होगी वो कंट्रोल करेगी कि आर ग्रुप अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड आएगा। तो बेस ने बच्चों इसको क्या कर दिया,
सिस इनोलेट में कन्वर्ट किया। इनोलेट का फॉर्मेशन बच्चों दो तरह से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जब क्रिएट हो रहा होगा तो यहाँ सिस भी हो सकता है, सी एच थ्री ऑक्सीजन साइड भी रह सकता है या फिर सी एच थ्री डाउन साइड भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बच्चों बल्कि ग्रुप होने से ये केवल सिस रहेगा, मतलब ये सी एच थ्री ग्रुप किधर रह रहा है, सी एच थ्री ग्रुप केवल ऑक्सीजन की साइज में रह रहा है, जिसके बोले सिस इनोलेट फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों क्योंकि कायरल एक्सरे आर एक्स की रिएक्शन कराओगे इनोलेट से, तो बच्चों ये बॉन्ड क्या हुआ इधर आया, ये आर ग्रुप पर अटैक करेगा, इस तरह से एल्काइल ग्रुप लगेगा, एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप जो आएगा आप अपसाइड से आएगा क्योंकि बॉटम फेस कायरल एक्सरे की आइसोप्रोपाइल ने क्या कर रखी है, ब्लॉक कर रखी है। तो आर ग्रुप कहाँ से आएगा बच्चों, फ्रंट साइड से आर ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, मेजर डाइस्ट्रोमर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, इस साइड से लगेगा। और फर्दर इस कायरल एक्सिलरी को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और जो ग्रुप हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, सपोज वो आर ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, तो इसके बेस सिलेक्शन कराएंगे और इसको रिमूव कर देंगे कायरल एक्सिलरी को। तो लेकिन इसने क्या कंट्रोल किया, आर ग्रुप किस तरह से आए, अप साइड से, क्योंकि हमने कायरल एक्सिलरी इस तरह से ली थी, इसकी बैक साइड क्या थी, स्टेरिक थी। चलो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन खुद से ट्राई करो कि यहाँ पर आप क्या बनाओगे। तो बच्चों जैसे कि सोडामाइड होता है NaNH2, यहाँ पर HH से हटा करके बल्कि बेस से लिया है, सिलिकॉन ट्राइमिथाइल सलाइल क्लोराइड यहाँ पर लगा दिया है, मतलब कुल मिला के इसका ही ये क्या है बच्चों, डेरिवेटिव बेस है ना, जिसे बोलते हैं NaHMDS, जिसमें हाइड्रोजन को हटा करके ट्राइमिथाइल सलाइल ग्रुप जो है लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों ये कैसा काम करता है, स्टेरिक बेस है, हिंडर्ड बेस है, बेस का काम करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर एलाइल पे एनायन अटैक करेगा इनोलेट फॉर्म होकर के। लेकिन ये ग्रुप जो लगना चाहिए इस कायरल एक्सिलरी की वजह से, क्योंकि मिथाइल और फिनाइल ग्रुप कहाँ है, अप फेस पर हैं, तो ये जो आर ग्रुप लगेगा वो कहाँ से लगेगा, डाउन साइड से लगेगा। बच्चों देखते हैं रिएक्शन में, तो कायरल एक्सिलरी है ये क्या है बच्चों, बेस का काम कर रहा है, NaHMDS कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखी रहती है, तो आपको बताना चाहिए क्या ये बेस है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कायरल एक्सिलरी इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर उस इनोलेट ने इसको अटैक किया होगा आई निगेटिव। लेकिन आर ग्रुप जो आया क्या है, बैक साइड से आया, क्योंकि कायरल एक्सिलरी में ये क्या है, फ्रंट साइड है। और फिर कायरल एक्सिलरी को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से किया गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो आर COamide ग्रुप को वो किस में चेंज कर देगा, आर यहाँ पर जो है बच्चों इसने एल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और फर्दर ट्रिसिबुटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से रिएक्शन की हुई है, सिलाइल क्लोराइड और ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने इस तरह से ये सिलाइल ग्रुप यहाँ पर फॉर्म कर लिया है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने एमाइड बॉन्ड को ब्रेकआउट करके किसमें चेंज कर दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, एमाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, एल्कोहल में ये चेंज कर देता है। कायरल एक्सिलरी का यहाँ पर क्या यूज रहा, कायरल एक्सिलरी ने कंट्रोल किया बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पर ये ग्रुप कहाँ से आया, बैक साइड से लगा दिया हमने ये ग्रुप बैक साइड से, क्योंकि कायरल एक्सिलरी जो यूज की थी हमने वो क्या थी बच्चों, फ्रंट साइड से बल्कि ग्रुप्स थी। तो बच्चों कायरल एक्सिलरी को डिफरेंट डिफरेंट वे में रिमूव किया जा सकता है, यहाँ पर इसको रिमूव, अगर बच्चों डायबल से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डायबल जो है एमाइड को किसमें चेंज कर देता है, एडिहाइड फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है। ये हमने रिड्यूसिंग एजेंट में ये चीज़ पढ़ी हुई है, डायबल क्या होता है और किस तरह से रिड्यूस करता है। या फिर दूसरा बच्चों हाइड्रोजन परोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये जो कायरल एक्सिलरी रिमूव होकर के बन जाता है बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इस एमाइड को करेंगे तो बच्चों एमाइड फंक्शनल ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आर की स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर जो काम है कायरल एक्सिलरी से लेना था वो ले चुके हैं और उसको बाद में रिमूव कर देते हैं डिफरेंट वे में। बच्चों बिनर एमाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है गूगल करो, शायद एक वीडियो पड़ी हुई है, बिनर एमाइड किस तरह से बच्चों रिएक्शन कंट्रोल करती है। बिनर एमाइड है जिसमें एक मिथोक्सी नाइट्रोजन से ग्रुप लगा रहता है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन हो गया, नाइट्रोजन से ये विनर एमाइड लगा दिया। ले इसका क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से जब रिएक्शन कराते हैं हम तो कंट्रोल वे में रिएक्शन जाती है, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन। वैसे जनरली आप जो है अगर किसी एमाइड की रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से तो आर दो बार अटैक करता और इसको टर्सरी एल्कोहल में चेंज कर देता, टू टाइम आर ग्रुप लगता है। लेकिन यहाँ पर विनर एमाइड का यूज़ किया है, वो केवल एक ही बार अटैक कर पाता है। थोड़ा सा गूगल करो, बिनर एमाइड जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको देखो किस तरह से
ये रिएक्शन को कंट्रोल करके केवल एमाइड से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर कायरल एक्सिलरी ये लगी हुई है जो कि यहाँ पर अल्फा फॉर कोई अल्काइल ग्रुप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रोल करेगा। NHMBS एक बेस है जो कि हमने देखा था ऊपर बच्चों, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इनोलेट में चेंज करेगा, यहाँ पर जो एन आर ग्रुप हैलाइड्स पर अटैक करेगा, तो आर ग्रुप जो आएगा वो फ्रंट से आएगा क्योंकि कायरल एक्सिलरी हमारी इस तरह की है कि उसमें बैक साइड से बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप क्या लगेगा बच्चों फ्रंट साइड से यहाँ पर लगेगा। और फिर फर्दर कायरल एक्सिलरी को बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है बच्चों एसिडिक ग्रुप आता है। कुछ और रिएक्शन आप देख सकते हो जैसे कि ये कायरल एक्सिलरी यहाँ पर अल्फा LDNA क्या करेगा बच्चों इनोलेट में चेंज होगा, लिथियम यहाँ पर चिलेट मतलब इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया तो ये यहाँ पर आएगा, तो आर ग्रुप जो भी आर ग्रुप हम लगाना चाह रहे हैं वो ये बल्कि ग्रुप क्योंकि बैक साइड से, तो आर ग्रुप कहाँ से लगा है फ्रंट, बल्कि ग्रुप फ्रंट साइड से है तो आर ग्रुप कहाँ से आया बच्चों बैक साइड से आया है। तो इस तरह से कायरल एक्सिलरी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रोल करती है रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो बच्चों किस तरह से कायरल एक्सिलरी हम लगाते हैं रिएक्शन कंट्रोल करने और बाद में क्या कर देते हैं उसको डिफरेंट वे में जो हम प्रोडक्ट चाहिए उस तरह से हम उसको फिर रिमूव भी कायरल एक्सिलरी को कर देते हैं। पहले डील साइड रिएक्शन से हमने देखा है, बाकी एल्काइल ग्रुप तो एकदम की फ्रंट लगाना है तो हमें बैक साइड वाली कायरल एक्सिलरी लगाते हैं, फ्रंट से आ गया, फिर बाद में डिफरेंट वे में डाइवर्ट हो गए तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 पर चेंज में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एमाइड बोन को किसमें रिड्यूस करती है अल्कोहल में रिडक्शन करती है, विनर एमाइड लेकर के उसको कीटोन पे भी रोका जा सकता है। थैंक यू।